हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्जाम दिस इज अजय शर्मा आज हम फंक्शन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चन प्रीवियसली आईम इंदौर के फाइव ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के एंट्रेंस टेस्ट दैट इज आई पी मैट में पूछा गया था सबसे पहले क्वेश्चन पे नजर डालते हैं हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी FX यहां FX है एफ की यहाँ एफ इक्वल है मॉड्यूल थ्री माइनस एक्स प्लस मॉड्यूल टू प्लस एक्स प्लस मॉड्यूलस फाइव माइनस एक्स मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और बाद में आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखें ये क्वेश्चन आपको एक मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना है मैक्सिमम आप इसमें दो मिनट का टाइम ले सकते हैं पर कोशिश करें कि आप एक मिनट में इसे सॉल्व कर सकें ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यहां पर हमें एक फंक्शन गिवन है जो कि इन तीनों के सम के इक्वल है मॉडुलस का मतलब हमें मालूम है कि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है साइन नहीं लेना है तो जनरल इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो क्विक अप्रोच होती है वो क्या होती है कि आप इंडिविजुअली इन तीनों को जीरो के इक्वल कर दें ठीक है अगर हम इसको इक्वल टू जीरो करते हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी थ्री अगर इसे इक्वल टू जीरो करते हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस तो टू और अगर हम इसे इक्वल टू जीरो करते हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये जो तीन वैल्यूज हमारे पास आई है इन्हें हम अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो सबसे छोटा नंबर है माइनस टू वो सबसे लेफ्ट में होगा ये कहीं बीच में होगा एंड देन फाइव ये यहां कहीं होगा हम चाहते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू मिनिमम हो जाए तो जनरल याद रखिए, इस केस में आपको जो बीच वाली वैल्यू है उस पर फोकस करें। अगर हम x की वैल्यू थ्री पुट कर दें तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा x इक्वल टू थ्री पुट करते ही एफ एक्स क्या होगा ये हो जाएगा थ्री माइनस थ्री दैट इज जीरो प्लस थ्री प्लस टू फाइव और इसका मॉड्यूलस भी फाइव प्लस फाइव माइनस थ्री दैट इज टू और इसका मॉड्यूलस टू तो हमारी एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो आ जाएगी सेवन ना अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने ये मिडिल वैल्यू ही क्यों ली हम ऐसा क्यों नहीं करते कि कोई वैल्यू यहाँ की ले लें आपको इसको थोड़ा सा समझना होगा अगर हम कोई वैल्यू यहाँ लेते हैं एक्स की वैल्यू तो जैसे ही हम एक्स की वैल्यू और इन दोनों को डील करेंगे जैसे मान लीजिए अगर हमने एक्स की वैल्यू ले ली है सिक्स तो ये सिक्स प्लस जो है ये एट हो जाएगा क्योंकि यहां पर हम जो गैप है वो काउंट करते हैं ठीक है थीके? और थ्री माइनस सिक्स क्योंकि मॉडुलस कर रहे हैं वो माइनस थ्री का मॉडुलस थ्री हो जाएगा तो पहले नजर डालना, डालना होता है ये देखने के लिए कि हमारी वैल्यू क्या मॉडल लेते ही साइन का कोई मतलब यहां पर नहीं रहेगा ठीक है ये तीनों वैल्यूज पॉजिटिव हो गई अच्छा अगर हम कोई वैल्यू यहां बीच की लेते हैं तो क्या होगा क्योंकि ये वैल्यू इन दोनों की राइट right में है तो दो वैल्यूज पॉजिटिव होगी और एक वैल्यू नेगेटिव होगी राइट अगर हम इस वैल्यू को यहां ले लें तो एक वैल्यू इसके राइट में है एक वैल्यू इसके लेफ्ट में है और एक जगह वैल्यू हमारी क्या हो गई है जीरो तो हमें कम से कम जो गैप है वो यहीं पर ही मिलेगा राइट right? आप आर्बिट्रली अलग अलग वैल्यूज लेके भी इसको चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लेके देखा फाइव पे हमने एक बार ट्राई किया चलिए पे तो फाइव माइनस फाइव जीरो

तो क्या होगा ये जो 2 है ये ब्रेक हो जाएगा एक गैप तो यहां से यहां होगा और एक गैप यहां से यहां होगा लेकिन उस केस में इन दोनों का सम तो 2 ही रहेगा ये जो गैप इतना बड़ा था एक्चुअली में अब ये गैप कम हो जाएगा अब ये गैप सिर्फ यहीं तक रह जाएगा दैट मींस ये जो वैल्यू आएगी ये प्रीवियस वैल्यू से कम होगी तो हम कोशिश करेंगे कि स्कोर कम करें तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि हम यहां 3 पर ही कोई वैल्यू ले तो ऐसा करने पर ये जो गैप है ये तो टू का है क्योंकि ये तो ऑलरेडी टू आ रहा था पर ये जो बड़ा सा गैप हमें यहां दिख रहा है वो हमारा ये गैप खत्म हो जाएगा और ये गैप भी छोटा हो जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम अगर आपसे पूछे जाए तो अप्रोच बड़ी सिंपल है इंडिविजुअली जीरो करें मिडिल वैल्यू जो है उस पर आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी कोशिश करके देखिए अगर इस तरह का कोई और क्वेश्चन आपको मिलता है और आप उसको ट्राई करके देखिए आसानी से आपका आंसर आ जाएगा अदरवाइज इस पूरे प्रोसेस में हमें अलग अलग रेंज लेके और क्वेश्चन को सॉल्व करना